ओके, जोमेटो पे क्या टारगेट दिखेगा? जी माफ कीजिएगा। जोमेटो पे क्या टारगेट दिखेगा? आज 10% जी ऊपर है। जी जी देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा लेगेसी स्टॉक है, इसमें हर भाव से लोग फंसे हुए हैं, तो इसको ऊपर जाने में थोड़ा थोड़ा प्रेशर आते रहेंगे, बट फिलहाल अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन पकड़ा है, डेटा यहाँ पे भी कम है, तो एक पैटर्न सेटअप अच्छा बना था, आई थिंक उसके टारगेट्स की तरफ ये बढ़ रहा है। 75 पे एक नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, आई थिंक यहाँ पे आपको 105 110 के टारगेट्स एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको देखने मिलने चाहिए। अच्छा, बहुत दिनों बाद आज जुबिलेंट फूड में 4% की तेजी है, 512 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या राय बनती है वहां पे? देखिए यहाँ पे मेरा थॉट है कि फिलहाल तो आई थिंक बढ़िया परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की, और अब आज जो चला है आई थिंक डेफिनेटली इसने भी शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम पकड़ा है, आई थिंक ये मोमेंटम इसको कैरी करेगा तकरीबन 520 525 तक, एज लॉन्ग एज हम अब वापस 500 के नीचे नहीं जा रहे हैं। ओके सर, इन ग्रासिम को जरा देखिए चार्ट पे, ये एक बहुत दिनों से एक ही ट्रेड रेंज में फंसा हुआ है, 1835 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, 1750 से 1850 के बीच पे इसने लंबा समय गुजारा है, कोई पैटर्न बन रहा है क्या इसमें? देखिए सर मोस्टली तो कितना इसमें तो एक होल्डिंग कंपनी जैसा स्ट्रक्चर भी इसमें आ गया है, बहुत सारे आई थिंक नाम इनमें इसके इसके पास हैं, आई थिंक उस नजर से देखें तो अब इसके लिए आपको दिख रहा है कि भाई रेंज बाउंड और बहुत ज्यादा हाई बीटा नहीं है ये, बट आप मान के चलिए कि इसका इसका जो हाई था 2021 का, आई थिंक उसको ये चैलेंज कर रहा है, अभी तक उसको डिसाइसिवली निकाल नहीं पाया, तो आई थिंक वो 1900 1920 के स्तर है, वो अभी इसके निकले नहीं है, तो जब तक वहां से निकल नहीं जाता क्लियर कट, तब तक आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नेगेटिव है, अब यहाँ पे आप लेके और पैसे आपके इंक्रीमेंटली बड़े पैसे नहीं बन पाएंगे यहाँ पे। ओके, दिलीप गुप्ता भोपाल से जुड़ रहे हैं। दिलीप जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ नमस्कार जी, वेदांता जी सर मैंने लिए थे 279 में मार्च में, तो क्या करना चाहिए? फाइव अरे हंड्रेड प्रोमोटर्स, शेयर 500 शेयर है, और अदानी बिल्वा 300 है, 419 के। अरे प्रोमोटर जी खुद ही बेच रहे हैं वेदांता। सरवन जी वेदांता बताइए भाई, 251 पे चल रहा है अभी और 280 पे लगभग इन्होंने खरीदा है। नहीं देखिए मेटल स्पेस में और ओवरऑल स्पेस में भी मुझे वीकनेस लगती है, और ये स्टॉक में तो खैर वीकनेस है ही, जैसे आपने कारण बताए, आई थिंक इसकी चर्चा हमने इसके पहले भी की थी, कल कल के शो में, इसके पहले वाले शो में, थॉट यही है कि ये अपने पिछले जो लोज इसके जो बने थे, जो जून जुलाई के जो लोज हैं इसके 2022 के, आई थिंक जो तकरीबन 200 के आसपास थे, आई थिंक उन एरियाज के आसपास ये किन्हीं कारणों से फिसलेगा, अब कारण बीच बीच में आते रहेंगे कुछ ना कुछ, बट आई थिंक क्लियरली जिस तरह का गैप डाउन से इसने स्टार्ट की अपनी डिक्लाइन, 200 205 के स्तर यहाँ मुझे नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आते हुए दिख रहे हैं, तो मेरी तो राय रहेगी अगर ट्रेड कर सके छोड़ के ले सके तो भी बेहतर, नहीं तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो इनको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इनको खड़े रहना पड़ेगा 200 रुपए तक। भाई या तो खड़े रहिए या फिर इसमें शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर लीजिए, वेदांता का चार्ट ये कह रहा है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत बहुत दर्शकों धन्यवाद की देव जी। मदद करने के लिए। गुप्ता जी, आपका जो दूसरा सवाल था ना अडानी विल्मर वाला, उसको हाँ हम वो लोग, 300 लिए हैं मैंने, 419 के रेट अरे में। सर सुनो तो जवाब दे रहा हूँ मैं, उसको हम लोग थोड़ा इसलिए अवॉइड करते, बहुत न्यूज़ ड्रिवन है, उस पूरे ग्रुप में इतनी खबरें आती रहती है कि वो चार्ट पर कुछ पैटर्न समझ में नहीं आता, तो अडानी वाले ग्रुप में ज़्यादा ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई राय वैसी फर्म ना दें, क्योंकि वो राय गड़बड़ा जाती है कोई खबर आ गई अचानक से, तो इसलिए इसको आपने अगर लिया है तो बनाए रखिए, देखते हैं आगे क्या होता है, ट्राई करते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।